बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ टर्किश चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं विदाउट एनी ग्रिल और ओवन के। आप इसको आसानी से तवे पर बनाना बताऊंगी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से पीसेस कर लेंगे। ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, दरमियाने साइज के पीसेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चिकन के पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए 4 टेबलस्पून योगर्ट डाल देंगे सबसे पहले। और नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। यहाँ पर आप टमाटो पेस्ट भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अब हम इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, पिंच, 1 पिंच यानी चुटकी भर सिनेमन पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एज पर द टेस्ट। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 टीस्पून। ऑयल डाल देंगे, ऑलिव ऑयल या फिर आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। विनीगर डाल देंगे 1 टीस्पून। वन टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक डाल देंगे, क्रश किया हुआ, बारीक चॉप करके रखा था। मिला देंगे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को। और इसमें मैंने यहाँ पर कोई फूड कलर भी ऐड नहीं किया है और ना कोई दूसरी चीज़ें भी डाला है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें और कवर करके 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए ज़रूर रखिए। तो ये देखिए 4 घंटे के बाद फ्रिज से मैंने इसको निकाल लिया है। और अब हम इसको स्क्यूअर्स में चिकन के पीसेस को इस तरह से लगा देंगे। तो आप ये देखिए इस तरीके से मैंने स्क्यूअर्स में लगा दिया है। बाकी के भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने चिकन स्क्यूअर्स में अच्छी तरीके से लगा दिया है। ये देखिए 1 स्क्यूअर्स में मैंने 7 से 8 पीसेस इस तरीके से लगा लिया है। आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जितना चाहे उतना। नेक्स्ट अब हम एक पैन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल,
आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और इसको ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं या फिर आप ग्रिल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबकी आसानी के लिए मैं इसको पैन पर बनाना बता रही हूँ। और इसको सब तरफ से पलट कर पका लेंगे, लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। और इसको सब तरफ से पलट कर पका लेंगे इस तरीके से, इवनली सब तरफ से कुक कर लेंगे। और मैं यहाँ पर जिस बॉल में मैरिनेट किया था वो मसाले को लेकर इस तरह से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। इसको लगाने से इसके ऊपर शाइन आ जाएगी और थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। बस आप इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो ये अच्छे से इवनली कुक हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। ये देखिए सब तरफ से अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है। और मैंने बाकी के भी बिल्कुल इसी तरीके से पका लिया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा टर्किश चिकन कबाब बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बना है। देखने में तो ये चिकन टिक्का की तरह लगता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।